मोटोरोला ने लॉन्च कर दिया है अपना नया स्मार्टफोन मोटोरोला एच प्लस। देखते हैं क्या है इसकी स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और प्राइस। मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं वीआर टेक्नो टेक। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसमें लगा है ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर, 12GB रैम है इसकी, 256GB इंटरनल है, नॉट एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.7 इंच की बड़ी डिस्प्ले दे रखी है, एमोलेड डिस्प्ले है। कैमरे की अगर बात करें तो प्राइमरी कैमरा इसका दे रखा है 108 मेगापिक्सल कैमरा, 16 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल। फ्रंट सेल्फी कैमरे की अगर बात करें तो 25 मेगापिक्सल का कैमरा। बैटरी की अगर बात करें तो 5000mAh की बैटरी है, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट और USB टाइप सी केबल इसके साथ मिलेगी। फिंगरप्रिंट सेंसर है बिल्कुल है। और ये फ़ोन सबसे बढ़िया बात है कि ये 5G में लॉन्च हुआ है। अब देखने वाली बात है कि इंडिया में इसका 5G वेरिएंट आता है कि नहीं आता, और ये फ़ोन वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब में, तो मुझे पर्सनली बताऊं तो मुझे तो ठीक लगा ये फ़ोन। अब देखने वाली बात है कि ये इंडियन मार्केट में कैसा कमाल करता है। और इसका इंडियन मार्केट में एक्सपेक्टेड प्राइस है कम से कम 76,000 के आसपास हो सकता है। अब देखने वाली बात है कि ये अपने राइवल्स को टक्कर देता है कि नहीं देता है इस प्राइस रेंज में, क्योंकि काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। वैसे अगर आपको देखा जाए सैमसंग S20 प्लस मिल सकता है, आईफोन 11 मिल सकता है, काफ़ी मतलब कुछ है इस प्राइस में, देखते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो को लेकर और कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।